दुनिया में एग्रीकल्चर में पानी की बचत और स्मार्ट यूज के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल अब आसान हो गया है। नई डिजिटल और हाईटेक टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हुए लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स ने मोबाइल पर नहरों की मॉनिटरिंग के लिए ऐप लॉन्च कर दी। 3 जनवरी 2024 को लिम्स के हेड ऑफिस में ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत करके ट्रेनिंग ली। लिम्स ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए 22,000 किलोमीटर तवील नहरों की भल सफाई और मेंटेनेंस का जायजा लेगा। ये मॉनिटरिंग मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए की जाएगी। इस हवाले से लिम्स की मॉनिटरिंग टीमों के रवानगी का सिलसिला 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर में हाईटेक टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई कंट्रीज बेनिफिट ले रही हैं, जिससे न सिर्फ फसलों की प्रोडक्शन बढ़ रही है बल्कि पानी भी बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान की सिविल अस्करी लीडरशिप ने यूनिफाइड स्ट्रेटजी के तहत जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की, ये उसी का तसलसल है। और लिम्स की मॉडर्न ऐप के तहत भल सफाई का महीनों पर मोहित काम अब जल्द होगा, जिससे न सिर्फ पानी की सेविंग होगी बल्कि खराजात में भी कमी होगी।